हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं टर्निटिन सॉफ्टवेयर के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, बहुत सारे आजकल का जो ट्रेंड है कि आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाना है, बहुत सारी कंट्री सिलेक्ट करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कंट्री में जाने के लिए सबको पता है कि आईएलस देनी है, बहुत सारी कोर्सेज सिलेक्ट करना है, कॉलेज सिलेक्ट करने, ये सारी प्रोसीजर आपकी हो जाती है और आप वहाँ भी पहुँच जाते हो। पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, वो है टर्निटिन यानी सिमिलैरिटी का। तो आज के पूरे टॉपिक में आपको मैं पूरा ब्रीफली बताने वाली हूँ कि टर्निटिन होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, और आप जब आपके असाइनमेंट, क्विज, वॉट एवर चीज़ें गूगल की हेल्प से आप स्टडी कम्प्लीट करते हो या सबमिशन करते हो, होमवर्क करते हो, तब टर्निटिन का क्या रोल रहता है, वो आज मैं आपके साथ पूरे वीडियो में डिटेल में से डिस्कस करूंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टर्निटिन के बारे में कि टर्निटिन कैसे यूज़ होता है और ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस। जैसे कि मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। यहाँ जैसे लॉगिन करते हो तो आपको आपका जो भी क्लास होता है उसको एनरोल करना रहता है कि किस तरह से आप क्लास को एनरोल करते हो, क्या करते हो, आपका कौन सा क्लास है वगैरह चीज़ें यहाँ पे आपको एनरोल करनी रहती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास का आईडी और क्लास नेम लिख दिया है, तो मेरा क्लास नेम ये है जहाँ पर। चलिए अब हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर। टर्निटिन हमेशा थोड़ा बहुत टाइम लेता है। जैसे कि यहाँ पे हमारी कॉलेज नेम होती है, जो भी हम कॉलेज से होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं, ये नेम यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे हमारा जो भी लिख रहा है, जैसे जिस तरह से डिटेल्स आ रही है वो इस तरह से आएगी। और उसके बाद जैसे आपका स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका असेसमेंट आपको ऐड करने रहते हैं कि आपका जो असेसमेंट है, आपका जो भी टास्क है, वो टास्क आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका असाइनमेंट है, उसके बाद आपने कौन सी डेट पे स्टार्ट किया था, और यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी दिखाई देगी। वो सिमिलैरिटी आपके टास्क में, यानी आपने गूगल से कितना कॉपी किया है या कोई भी रिसोर्सेज से कितना आपने कॉपी किया है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस तरह से है। आपको रीसबमिट करना है, व्यू करना है, फाइल को डाउनलोड करना है वगैरह, आप देख सकते हो। और यहाँ पे सिमिलैरिटी का स्टेटस है, ये सिमिलैरिटी का हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। कोई कॉलेज 9%, कोई कॉलेज 15% वगैरह, अलग अलग परसेंटेज पर अलाउड करती है। तो जैसे यहाँ पर काफ़ी स्लॉट खाली रहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक स्लॉट पर क्लिक करती हूँ, राइट, तो ये हर एक स्टूडेंट का आता है। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम रहता है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम रहता है आपको भरना, फिर आपका सबमिशन टाइटल एक्स वाई जी हम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम कंप्यूटर से कुछ चूज़ करते हैं कौन सी चीज़ें लेनी है, तो हम कोई भी एक फाइल को चूज़ करेंगे। इस फाइल को हमने चूज़ की है और उसके बाद इसको हम अपलोड करते हैं। अपलोड जैसे करते हैं ऐसे ही रेगुलर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इस तरह का पूरा प्रोसेस आएगा कि आपकी फ़ाइल अपलोड हो रही है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका यहाँ पे आप पेजेस चेक करना है, आपका जो भी स्टूडेंट नेम होता है वो आपके जो फाइल होती है, वर्ड फाइल होती है, उसका यहाँ पे आपका नेम आएगा, आपका यहाँ पे टाइटल जो आपने अभी मैंने आगे कॉलम में दिखाया वो टाइटल, उसके बाद आपकी जो भी फाइल होती है उसका नाम यहाँ पे आएगा, उसकी साइज़ आएगी, पेज कितने हैं वो, और पेज के अंदर वर्ड काउंट भी है और कितने कैरेक्टर काउंट करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म करना रहेगा। जैसे आप कन्फर्म करते हो, अगेन से एक प्रोसेस रहेगा आपको, और मीनवाइल आपको पेज जितने भी आपने अपलोड किए हैं वो पेज भी आपको चेक करने रहेंगे कि आपने 3 पेज की फ़ाइल अपलोड की है तो 3 पेज है या 4 पेज है, क्या है क्या नहीं वगैरह। आपको मीनवाइल जब तक प्रोसेस करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। टर्निटिन पे काफ़ी स्टूडेंट एट अ टाइम इस पर प्रोसेस करते हैं, तो कभी कभी इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो जब अपना टाइम लगता है तब तक आपको
पेजेस चेक कर लेना है। और अभी जब कंफर्मेशन आ रहा है आगे से, और ये हमेशा स्लो में ही चलता है, इतना फास्ट नहीं चलता है बिकॉज ऑफ सभी लोग यही यूज़ करते हैं। और ऐसे आपका सबमिशन हो जाता है कि आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई, योर फाइल सबमिट, ठीक है। अब इसके बाद आपका पूरा ये रिसीप्ट जनरेट हो जाता है कि आपने ये टाइम पे ये वाली फ़ाइल सबमिट कर दी है। और यहाँ पे आप रिटर्न सबमिशन लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपकी सिमिलरिटी कितनी आई। वो जैसे कि हमने अभी सबमिट की, ये हमारी फ़ाइल है जो अभी हमने सबमिट की है, क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फीडबैक आपका स्टार्ट हो जाता है कि आपकी जो भी फाइल है, फाइल जो भी आपकी फ़ाइल है वो इस तरह से पूरी दिखाई देती है आपकी, कि किस तरह से आपने क्या लिखा है, किस तरह का लिखा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि फ़ाइल मिलती है यहाँ पर, राइट, आपके सारे कंटेंट्स में यहाँ पे कलर वगैरह आ जाएगा, कि आपको कमेंट वगैरह मिल जाती है, यहाँ से आपके फ़िल्टर होते हैं। और यहाँ पे आपको करंट व्यू यानी करंट जो आपने अपलोड किया है वो वाली फ़ाइल आ जाएगी आपकी करंट व्यू में। और अगेन फिर आपको ओरिजिनल फ़ाइल जो सबमिट की है वो दोनों फ़ाइल आप चेक कर सकते हो कि रिपोर्ट क्या जनरेट हो के आया, किस तरह से जनरेट हो के आया, सिमिलैरिटी कैसे आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे आपकी सिमिलैरिटी की ये सबमिट हो गया है, कहाँ पे स्टूडेंट का पेपर वगैरह कुछ सबमिट हो गया है, तो आप इस तरह से पूरा देख सकते हो कि किस तरह से कहाँ पे ये चेक किया है। बिकॉज ऑफ मैंने ये यूज़ की हुई फ़ाइल रखी है यहाँ पे, ताकि आपको भी आइडिया है कि किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह का रहता है। और यहाँ पे फ़ाइल डाउनलोड होके आ जाती है कि हमने किस तरह से की, और सिमिलैरिटी ये है बिकॉज ऑफ हमने काफ़ी गूगल से ही कंटेंट लिया था। तो इस तरह से पूरा प्लेगरिज्म वर्क करता है कि, और यहाँ पे लास्ट में आपको पता भी चल जाएगा कि हर चीज़ कॉपी की है और उसका रिज़ल्ट भी कितना आया है, बिकॉज ऑफ यहाँ से आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा है तो ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, लेकिन 77% कंटेंट पूरा कॉपी पेस्ट है। तो इस तरह से प्लेगरिज्म पूरा वर्क करता है, ठीक है। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि प्लेगरिज्म किस तरह से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, और किस तरह से हमें इसका ध्यान रखना है जब हम कोई भी कंट्री में पढ़ने जाते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ यही होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो चलिए, आपने अभी ये तो देख लिया कि टर्निटिन कैसे वर्क करता है, मैंने आपको स्क्रीन शेयर में सारी चीज़ें बता दी कि सॉफ्टवेयर कैसा है, कहाँ जाना है आपको, आपकी जो भी फाइल होती है कैसे अपलोड करनी है, उसके बाद आपका रिपोर्ट जनरेट होके आता है कि आपने गूगल पे से कितना वर्क लिया है, गूगल से कितना कॉपी किया है, किस तरह से आपने कौन सी वेबसाइट से क्या कंटेंट लिया है जिसको आपको पैराफ्रेज करके चेंज करके आपके रिपोर्ट में ऐड करना है। तो इस तरह से टर्निटिन वर्क करता है। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आपका होमवर्क करो, चाहे कोई भी कंट्री के लिए गए हो पढ़ने के लिए या कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप वर्क करते हो, तो पहले आपको पूरी डिटेल्स गूगल से रिसर्च करनी रहती है, उसके बाद आपको खुद की लैंग्वेज के अंदर पैराफ्रेज करने के बाद आपको व्हाटएवर पोर्टल या आपके मॉडल या फिर जो भी सबमिशंस प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सबमिट करनी रहेगी, ताकि जो सिमिलैरिटीज़ के प्रॉब्लम्स काफ़ी स्टूडेंट को फेस होने को आए हैं, मुझे काफ़ी डीएम्स भी मिले हैं कि सिमिलैरिटी प्लेगरिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, तो यहाँ पे आपके पास सारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा प्लेगरिज्म का देख सकते हो कि किस तरह से वर्क करते हैं और कैसे वर्क करता है। और ये सबसे बड़ी हेल्पफुल चीज़ होती है, बिना आप ये प्लेगरिज्म चेकिंग के बिना आपका कोई भी होमवर्क या कोई भी डिटेल्स अपलोड करोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स कॉलेज साइड से, आपकी यूनिवर्सिटी के साइड से फेस करनी रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम और टॉपिक्स के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कनेक्ट होंगे। तब तक मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।